हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स मैं इब खान एक बार फिर सभी आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट देखिए आज अपना जो टॉपिक है वो है अपना मात्रक सदीश इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं अपन पर, इस परि डिपे, डिपेंडेड क्वेश्चन काफी आते हैं और ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है तो देखिए इस पर डिपेंडेड क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले आपको इसके बारे में बताएंगे क्या है स्टूडेंट दिशे आपको दिया हुआ है कि सदीश वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदीश ज्ञात कीजिए सबसे पहले बात आती है मात्रक सदिश की तो मात्रक सदिश जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं किसी भी सदिश का जैसे ए वेक्टर का मात्रक सदिश निकालेंगे तो उसको ए कैप से डिनोट करेंगे ए ये इसका फॉर्मूला होता है किसी भी सदिश का मात्रक सदिश आप अगर ज्ञात करते हो तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अब जैसे हमें दिया हुआ है यहां पर ए वेक्टर आपको दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकालना आपको मैंने बता रखा है पहले से वन टू द्लस वन टू स्क्वायर तो ए वेक्टर का जो तो मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट वो होगा रूट थ्री अब स्टूडेंट आपको यहां ए वेक्टर के अनुदेश सदिश निकालना है तो आप यहां लिखोगे

जो मात्रक सदीश है उसको एक एफ से डिनोट करेंगे इसको लिख सकते हो वन बाई रूट थ्री आई के प्लस वन बाई रूट थ्री जे के प्लस वन बाई रूट थ्री के के तो स्टूडेंट इस टाइप से हम किसी भी सदीश का इक्काई सदीश हम इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं ज्यादा मुश्किल काम नहीं है आसान सा टॉपिक है और आसान सी क्वेश्चन है अब देखिए ये तो था सिंपल वाला क्वेश्चन इसी टाइप से इसके कोई थोड़े हटके क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड वो अपन कैसे करेंगे देखिए जैसे यहां पर हमें दे आपको वेक्टर दिया हुआ नहीं है आपको पी क्यू वेक्टर के अनुदिश जो सदिश निकालना है यहां से तो पी क्यू वेक्टर के इकाई सदिश होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे जब भी आपको कोई पॉइंट दिया जाए जब भी आपको कोई पॉइंट दिया जाता है तो आपको क्या करना उस पॉइंट से उसके उसको सदिश रूप में लिखें। जैसे हमें P और Q पॉइंट है तो आप यहां लिखोगे ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस टू के प्लस टू जे के प्लस थ्री के के एंड ओ क्यू वैक्टर जो होगा वो हमारे पास ये होगा स्टूडेंट फोर आई के प्लस फाइव सिक्स दोनों पॉइंट को अपन ने सबसे पहले वेक्टर वाले फॉर्म में लिख दिया सदिश वाले रूप में लिख दिया अब दोनों बिंदुओं के सदिश आपने निकाल लिए दोनों बिंदुओं के सदिश आपने निकालने के बाद में आप जानते कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो तो सदिश होता है वो निकालेगी तो आपके पास आएगा अब pq वेक्टर निकालेंगे स्टूडेंट तो pq वेक्टर निकालोगे तो आप यहां लिखोगे oq वेक्टर op वेक्टर ये वाला फॉर्मूला आपको स्थिति सदिश वाला स्थिति सदिश वाला फॉर्मूला ये हमेशा यूज करना है जब आपको दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो तो सदिश होता है उस सदिश को आप निकालोगे तो इसी फार्मूले से निकालोगे oq वेक्टर स्टूडेंट हमारे पास है 4i कैप 5j कैप 6k कैप एंड माइनस ओपी वेक्टर स्टूडेंट हमारे पास है आई के प्लस टू के प्लस थ्री के कैप सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो पी क्यू वेक्टर हमारे पास यहां से क्या आएगा फोर में से वन गया तो कितना रहेगा थ्री कैप फाइव में से टू गया थ्री जे कैप सिक्स में से थ्री गया थ्री के कैप इस टाइप से आपने दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश है वो पी क्यू वेक्टर निकाल लिया अब हमें क्या ज्ञात करना पीक्यू वेक्टर के अनुदिश जो इसका मात्रक सदिश है वो निकालना है देखिए अब पीक्यू वेक्टर आपने निकाल लिया मात्रक सदिश के लिए आपको सबसे पहले पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो निकालना है तो ये इस टाइप से निकालोगे आप थ्री टू द स्क्वायर प्लस थ्री टू द स्क्वायर प्लस थ्री टू द स्क्वायर सोल क्रोग स्टूडेंट अपने पास क्या आएगा नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन यह आएगा रूट ट्वेंटी सेवन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो नाइन इंटू थ्री से इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा थ्री रूट हमारे तो पास मैग्नीट्यूड आ गया थ्री रूट थ्री अब डियर स्टूडेंट आपको निकालना है इसका तो आप लिखोगे आता है पी क्यू वैक्टर के मात्रक सदिश जो होगा इसका वो आएगा पी क्यू कैप इज इक्वल टू पी क्यू वैक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वैक्टर डियर स्टूडेंट आपको यहां वैल्यू रख देनी है पी क्यू वैक्टर आपके पास में क्या था आपने फाइंड किया था प्लस थ्री जे के प्लस थ्री के के मैग्नीट्यूड में 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 था इसका थ्री रूट थ्री तो स्टूडेंट हमने यहां पर पी क्यू वैक्टर के अनुदेश जो मात्रक सदी से वो आपने फाइंड कर लिया जो है थ्री अपॉन थ्री रूट थ्री आई के प्लस थ्री अपॉन थ्री रूट थ्री जे के प्लस थ्री अपॉन थ्री रूट थ्री के कैप ये इससे कैंसिल आउट ये इससे कैंसिल आउट ये इससे कैंसिल आउट तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आया हमारे पास यह है वन बाय रूट थ्री आई के प्लस वन बाय रूट थ्री जे के प्लस वन बाई रूट थ्री के कैप ये हमने जो है इसका मात्रक इस से फाइंड करना है हमें पॉइंट दिए हुए थे पॉइंट से आपने उनको सदिश रूप में लिखा और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश था वो आपने निकाल लिया और उस सदीश के अनुदिश आपको इसका मात्रक सदीश था फॉर्मूला आपने अप्लाई किया वो अप्लाई करके आपने इसका मात्रक सदीश जो इस तरह से आपको फाइंड कर लेना है अपना है देखिए क्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा अपना वो है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिए गए हैं तो सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश जो है आपको वो ज्ञात करना है दो सदिश आपको दिए हुए ए वेक्टर दिया हुआ और बी वेक्टर दिया हुआ है फिर ये कह रहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब इन दोनों सदिशों का योगफल जो होता है उसके अनुदिश आपको मात्रक सदिश जो वो निकालना है वो कैसे निकालोगे देखिए आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू गिवन स्टैंड टू आई के माइनस जेके प्लस टू के के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास स्टैंड माइनस आई के प्लस जेके माइनस के के वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको फाइंड करना है तो दोनों को जोड़ोगे आप टू आई के माइनस जेके प्लस टू के के फिर प्लस करोगे माइनस आई के प्लस के माइनस के के सोल्व करो स्टूडेंट टू माइनस वन आई के माइनस जे है और यहां से आपके पास प्लस का जे है तो यहां से हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट ये देखिए आप जीरो जे के इसके बाद देखिए स्टूडेंट टू के है और माइनस का के है तो प्लस का के, के। ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपने फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस टाइप से आपने आपको जो है फाइंड कर लेना है और उसके बाद में स्टूडेंट देखिए आप हम इसका जो मात्रक सदिश है वो कैसे निकालेंगे वो देखिए सबसे पहले आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए रूट ऑफ वन टू द स्क्वायर प्लस जीरो टू प्लस वन टू द स्क्वायर आएगा स्टूडेंट रूट टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया हमारे पास रूट टू इसके बाद में देखिए स्टूडेंट हमारे पास अब क्या है आगे अब डर स्टूडेंट अब देखिए हमारे पास आगे हमारे पास क्या है वो देखिए अब तो आप लिखोगे आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदीश मात्रक सदिश दो होगा हमारा वह आएगा सी वेक्टर मान लिया अपन ने इसको आप सी वेक्टर से डिनोट कर सकते हो इक्वल टू सी सॉरी सी कैप से डिनोट करोगे तो सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर सी वेक्टर स्टूडेंट हमारे पास क्या गिवन है हुँ? वो लिख दीजिए आप यहां से आई के प्लस जीरो जेके प्लस के कैप और ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है हाँ अपने पास में वो है रूट अब स्टूडेंट आपने जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाने वाला जो सदिश था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था उसके अनुदिश आपको उसका मात्रक सदिश निकालना है जो अपन ने फाइंड कर लिया तो ये है सी कैप इक्वल टू वन बाई रूट टू आई के प्लस वन बाई रूट टू के स्टूडेंट आपको क्या है ये वाला क्वेश्चन भी जो इस टाइप से कंप्लीट करना है कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें आपको देखो तीन चार क्वेश्चन है, है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं बाकी सभी में मेथड जो है एक यूज करना करना है है वही वाला आपको रूल अप्लाई तो इस टाइप से क्वेश्चन था हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ था और आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश जो मात्र सदीश है वो इस टाइप से निकालना है दोनों को पहले प्लस करेंगे प्लस करके उन दोनों के प्लस का मैग्नीट्यूड परिमाण निकाल लेंगे उसके बाद में उसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे तो फॉर्मूला जो मात्रक सदिश वाला है वो अप्लाई करते हैं हम इसका मात्रक सदिश ऐसे निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टूडेंट ये है सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण आठ इकाई है जिसका परिमाण आठ इकाई है तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले जो आपको सदीश दिया हुआ उस सदीश को आपको मानना है माना एक्टर इज इक्वल टू फाइव आई के माइनस जे के प्लस टू के के ये हमें दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड कर लेना है वो आएगा रूट ऑफ फाइव टू द स्क्वायर प्लस माइनस वन टू द स्क्वायर प्लस टू टू द स्क्वायर इसको स्ट आप सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा ट्वेंटी फाइव प्लस वन प्लस फोर रूट थर्टी आएगा अब यहां से आपको फाइंड करना है अतः ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदीश या मात्रक सदीश जिसका परिमाण आठ इकाई है इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे इस कंडीशन में आप लिखोगे आठ इंटू ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या था स्टूडेंट हमारे पास जो ए वेक्टर वाला है सदी सब वो लिख दीजिए आप यहां से फाइव आई के माइनस जे के प्लस टू के के इसको मल्टीप्लाई करना आपको एट से मैग्नीट्यूड कितना है इसका रूट थर्टी है रूट थर्टी हमारे पास क्या है स्टूडेंट फोर्टी अपॉन रूट थर्टी के माइनस एट अपॉन रूट थर्टी प्लस 16 अपॉन रूट थर्टी के तो ये वाला क्वेश्चन देखो आसान है इसी टाइप से आपको क्या दिया हुआ था इसमें एक सदीश दिया हुआ था और कह रहा है इस सदीश के अनुदिश हमें एक ऐसा सदीश ज्ञात करना है जिसका परिमाण आठ इकाई हो सबसे पहले जो सदीश दिया हुआ उसको आपको मान लेना ए वेक्टर के बराबर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है क्या है उसके बाद में आपको क्या करना उस निकालना है मात्र निकालना है जिसका परिमाण हमें आठ इकाई है है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट जो आपका है, उसको से मल्टीप्लाई कर देंगे आठ से मल्टीप्लाई कर करोगे जैसे ही मल्टीप्लाई करते आपके पास क्या गया ये आपका जो सदीश है वो आ गया तो इस टाइप से क्वेश्चन थे स्टूडेंट हमारे पास में इन क्वेश्चनों को आप ऐसे ही आप सोल्व कर सकते हैं और ये टॉपिक जो है आपका काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं मैंने मात्र सदिश पे आपको लगभग चार क्वेश्चन बताए आशा करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू